अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीदियो के साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मुस्कान जैदी मौजूद हैं और बड़ा अच्छा वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है टाटा बिजनेस एम्पायर एंड टाटा ब्रांड्स एंड कंपनीज। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों ये हमारी बिजनेस एम्पायर सीरीज का पहला वीडियो है। तो आज हम टाटा बिजनेस एम्पायर के बारे में बात करेंगे, मतलब टाटा ग्रुप्स के बारे में, जो इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक है। एक तरह से टाटा ग्रुप्स इंडियन GDP का बैकबोन है। टाटा ग्रुप्स को 1868 में जमशेदजी टाटा ने शुरू किया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस वक्त टाटा ग्रुप्स और टाटा सन्स किन किन सेक्टर्स में है और टाटा ग्रुप्स के अंडर कौन कौन सी कंपनीज और ब्रांड्स आते हैं। तो यही जानेंगे आखिर कितना बड़ा है टाटा बिजनेस एम्पायर। इस वीडियो को हमने डिफरेंट सेक्टर वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पूरे ध्यान के साथ देखना आखिर तक इस वीडियो को। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। नंबर 10, IT सेक्टर। इस सेक्टर में टोटल 3 कंपनीज आती है। नंबर 1, टाटा क्लास एज। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे 2011 में शुरू किया गया था। टाटा क्लास एज CBSE, ICSE और बहुत से स्टेट बोर्ड्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट क्रिएट करता है और सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब तक टाटा क्लास एज से भारत के 1700 प्राइवेट स्कूल्स और 200 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स जुड़ चुके हैं। नंबर 2, टाटा एलेक्सी। ये एक डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे 1989 में शुरू किया गया था बेंगलुरु में। टाटा एलेक्सी वर्ल्ड के सबसे लीडिंग प्रोवाइडर्स में से एक है, जो डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की सर्विसेज अलग अलग इंडस्ट्रीज में देता है, जैसे ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। टाटा एलेक्सी की सर्विसेज डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड है, जैसे IoT, क्लाउड, मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 3, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1968 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 68. तो TCS और उसकी 67 सब्सिडरीज बहुत ही वाइड रेंज में IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है, जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, कंसल्टिंग और भी है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इस वक्त दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में TCS है। कुल 46 देशों में, भारत समेत पूरी दुनिया में TCS की 149 ऑफिस बिल्डिंग्स है, जिसमें 400,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। नंबर 9, मेटल सेक्टर। इस सेक्टर में 2 कंपनीज आती है। नंबर 1, टाटा स्टील। टाटा स्टील दुनिया की टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से एक है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हिसाब से। टाटा स्टील को 26 अगस्त 1907 में शुरू किया गया था जमशेदपुर झारखंड में। आज टाटा स्टील की प्रेजेंस 50 कंट्रीज में है और 26 कंट्रीज में इसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं और की ऑपरेशंस इंडिया, नेदरलैंड्स और UK में। टाटा स्टील में करीब 80,500 लोग काम करते हैं और ये कंपनी ग्लोबल फॉर्चून 500 में आती है। नंबर 2, टाटा मेटलिंग्स। ये टाटा स्टील की ही सब्सिडरी कंपनी है जिसे 1990 में शुरू किया गया था। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है। टाटा मेटलिंग्स को इंडिया में पायोनियर माना जाता है बेस्ट क्वालिटी के पिग आयन और डक्टाइल आयन पाइप्स बनाने के लिए। भारत के अलावा इस कंपनी की प्रेजेंस साउथ एशियन कंट्रीज और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में भी है। नंबर 8, ऑटोमोटिव सेक्टर। इस सेक्टर में टोटल 3 कंपनीज आती है। नंबर 1, टाटा मोटर्स। ये एक मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे 1945 में सर JRD टाटा ने शुरू किया था। ये कंपनी बनाती है पैसेंजर कार्स, ट्रक्स, वैन्स, कोचेस, बसेस, स्पोर्ट्स कार्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और मिलिट्री व्हीकल्स। टाटा मोटर्स ने 1998 में भारत की सबसे पहली फुल्ली इंडिजीनियस पैसेंजर कार बनाई थी एंडी का और 2008 में दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार टाटा नैनो। टाटा मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हीकल प्लांट है इंडिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन और थाईलैंड में। टाटा मोटर्स भारत की एक ऐसी कंपनी है जो ग्लोबल फॉर्चून 500 में आती है। नंबर 2, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी को 1995 में शुरू किया गया था। ये कंपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है इंडियन और ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनीज को, ज्यादातर OEMs को और Tier 1 सप्लायर्स को भी। टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में ये चीजें आती है, जैसे ऑटोमोटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्लास्टिक्स,
कॉम्पोजिट्स, शीट मेटल स्टैम्पिंग्स, इंजन कूलिंग सॉल्यूशंस, ऑटोमोटिव बैटरीज और भी है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स के जितने भी कॉम्पोनेंट्स बिकते हैं वो ऑटोकॉम ब्रांड नेम के अंडर बिकते हैं। भारत के अलावा यूरोप, US, मिडिल ईस्ट और इंडियन नेबरिंग कंट्रीज में टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स के टोटल 45 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जो 7 कंट्रीज में है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नंबर 3, जैगुआर लैंड रोवर लिमिटेड। ये एक मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जो लग्जरी व्हीकल्स और स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस करती है। दरअसल लैंड रोवर को BMW ओन करता था और जैगुआर को फोर्ड मोटर कंपनी। सन 2000 में BMW और रोवर ग्रुप का ब्रेकअप हुआ और लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी ने खरीद लिया। फिर 18 जनवरी 2008 को जैगुआर लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया। तो अब ये दोनों लग्जरी कार ब्रांड्स टाटा मोटर्स के अंडर है। नंबर 7, रिटेल सेक्टर। इस सेक्टर में टोटल 9 कंपनीज आती है। नंबर 1, टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी है। दो कंपनीज के बीच टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्टारबक्स कॉरपोरेशन, इंडिया में जितने भी स्टारबक्स आउटलेट्स है वो इसी कंपनी के अंडर आते हैं। 19 अक्टूबर 2012 को स्टारबक्स का पहला स्टोर मुंबई में ओपन हुआ था। अब पूरे पैन इंडिया में 216 स्टोर्स हो चुके हैं, मतलब 2020 के एंड तक, दिसंबर तक। नंबर 2, वोल्टास। ये एक मल्टीनेशनल होम अप्लायंसेस कंपनी है जो स्पेशली एयर कंडीशनिंग एंड कूलिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इस कंपनी को 1954 में शुरू किया गया था। ये कंपनी प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है और प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर प्यूरीफायर्स और वाटर डिस्पेंसर्स। और ये कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है। वोल्टास ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की एयर कंडीशनिंग की है और भी जगह की है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नंबर 3, क्रोमा। ये एक रिटेल चेन है जिसे टाटा ग्रुप ओन करता है। क्रोमा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल सेल करता है। इसे 9 अक्टूबर 2006 में शुरू किया गया था। इस वक्त भारत के कुल 32 शहरों में क्रोमा के 170 स्टोर्स है। नंबर 4, टाइटन। ये एक लाइफस्टाइल कंपनी है जिसे टाटा ग्रुप और टिडको ओन करते हैं। इस कंपनी को 1984 में शुरू किया गया था। मेनली ये कंपनी वॉचेस मैन्युफैक्चर करती है, फॉर्मल वॉचेस, लेकिन अर्बन यूथ और ग्रोइंग फैशन इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए टाइटन कंपनी ने इंडिपेंडेंट ब्रांड को लॉन्च किया, फास्ट ट्रैक। इस वक्त फास्ट ट्रैक के काफ़ी वेराइटी में प्रोडक्ट्स है जैसे वॉचेस, सनग्लासेस, बैग्स, बेल्ट, वॉलेट्स एंड परफ्यूम्स। नंबर 5, तनिष्क। ये एक ज्वेलरी ब्रांड है जो टाइटन कंपनी के अंडर ही आता है, जिसे 1994 में शुरू किया गया था। इस वक्त इंडिया की 71 सिटीज में करीब 200 से ज़्यादा तनिष्क ज्वेलरी के स्टोर्स है। बढ़ती हुई फैशन इंडस्ट्री और फीमेल यूथ को देखते हुए टाइटन ने एक और ब्रांड लॉन्च किया है, जोया। नंबर 6, वेस्ट साइड। ये एक फैशन ब्रांड है मेंस, वुमेन्स एंड किड्स के लिए, जिसे 1998 में शुरू किया गया था। इस ब्रांड के 162 रिटेल स्टोर्स इंडिया की 82 मेजर सिटीज में है। वेस्ट साइड के अंडर एक और अफोर्डेबल फैशन ब्रांड बनाया गया है, जूडियो, जिसके करीब 115 स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में है। नंबर 7, टाटा क्लिक। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसे टाटा ग्रुप ओन करता है। इस कंपनी को 27 मई 2016 को शुरू किया गया था। टाटा क्लिक इन कैटेगरीज में प्रोडक्ट सेल करता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फुटवेयर एंड एसेसरीज। नंबर 8, स्टार बाजार इंडिया। ये एक मॉडर्न रिटेल और वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टोर चेन है जो फ्रेश फूड्स और ग्रोसरीज सेल करता है। इसकी ऑनलाइन सर्विस भी है जिस ऐप का नाम स्टार क्विक है। ये ऐप ग्रोसरीज की होम डिलीवरी देती है। नंबर 9, बेवरेजेस ब्रांड्स। टाटा के जितने भी बेवरेज ब्रांड्स है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी के अंडर आते हैं। फर्स्ट ब्रांड है टेटली। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का ब्रांड है जिसकी प्रेजेंस 40 देशों में है। वैसे तो ये ब्रांड 180 साल पुराना है, लेकिन ये ब्रांड टाटा के अंडर सन 2000 में आया। सेकंड ब्रांड है टाटा टी। ये भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला चाय का ब्रांड है। भारत के हर 3 घर में से 1 घर में टाटा टी इस्तेमाल की जाती है, जिससे आप समझ जाओ ये कितना फेमस इंडियन ब्रांड है। थर्ड ब्रांड है टाटा सॉल्ट। ये इंडिया का सबसे पहला आयोडाइज सॉल्ट है जो 1983 से चलता आ रहा है और भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला नमक का ब्रांड है। फोर्थ ब्रांड है हिमालयन। ये एक नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड है। टाटा बेवरेजेस में ऐसे कई सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो नेशनली और इंटरनेशनली बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नंबर 6, टूरिज्म एंड ट्रैवल सेक्टर। इस सेक्टर में टोटल 5 कंपनीज आती है। नंबर 1, ताज होटल्स।
ये एक लग्जरी होटल चैन कंपनी है जिसकी शुरुआत जमशेद जी टाटा ने 1903 में की थी ताजमहल पैलेस होटल मुंबई से। आज ताज होटल्स की चैन में 100 से ज़्यादा लग्जरी होटल्स एंड होटल रिसॉर्ट्स है। सिर्फ इंडिया में 84 होटल्स है और 16 होटल्स दूसरे देशों में है, जैसे USA, UK, साउथ अफ्रीका, UAE और भी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नंबर 2 विवांता, ये भी एक होटल चैन है जिसे टाटा ग्रुप ओन करता है। इसे 2010 में शुरू किया गया था। इस वक्त विवांता की 19 शहरों में 22 होटल्स है। नंबर 3 जिंजर, ये भी एक बजट होटल चैन है जिसे टाटा ग्रुप ओन करता है। जिंजर का फर्स्ट होटल बेंगलोर में शुरू किया गया था जून 2004 में। अब ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चैन बन चुका है। इंडिया प्लस एब्रॉड में 70 होटल्स है। नंबर 4 विस्तारा, ये एक फुल सर्विस एयरलाइन कंपनी है जो गुड़गांव में बेस्ड है और इसका हब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस कंपनी को 9 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। दरअसल ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच, जिसमें टाटा सन्स के 51 स्टेक्स है। नंबर 5 एयर एशिया इंडिया, ये भी एक एयरलाइन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। इस कंपनी को 28 मार्च 2013 को शुरू किया गया था। ये भी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है टाटा सन्स और एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बीच। एयर एशिया एक मलेशियन बेस्ड कंपनी है, तो एयर एशिया इंडिया में टाटा सन्स के स्टेक्स 83.67% है। नंबर 5 टेलीकॉम सेक्टर, इस सेक्टर में टोटल 3 कंपनीज आती है। नंबर 1 टाटा स्काई, ये एक लार्जेस्ट इंडियन डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है डीडी फ्री डिश के बाद। इस कंपनी को 10 अगस्त 2006 में शुरू किया गया था। दरअसल ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है 3 कंपनीज का, टाटा सन्स, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी और तेमासेक होल्डिंग्स। नंबर 2 टाटा कम्युनिकेशंस, ये एक टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी है जिसे टाटा ग्रुप ओन करता है। इस कंपनी को 1986 में शुरू किया गया था। टाटा कम्युनिकेशंस का सी फाइबर नेटवर्क स्पैन 5 लाख किलोमीटर का है। इस कंपनी ने इसके ग्लोबल सब सी फाइबर नेटवर्क में $1.19 बिलियन खर्च किए हैं। पूरी दुनिया का जो इंटरनेट फाइबर नेटवर्क है उसका 25% टाटा कम्युनिकेशंस का है। इस कंपनी की सर्विसेज है जैसे नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंटरनेट सर्विसेज और भी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नंबर 3 टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, ये एक ब्रॉडबैंड एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसे 1996 में सर रतन टाटा ने शुरू किया था। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है जैसे फिक्स लाइन टेलीफोन, फिक्स लाइन इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज और डिजिटल टेलीविजन। नंबर 4 इंफ्रा सेक्टर, इस सेक्टर में टोटल 4 कंपनीज आती है। नंबर 1 टाटा पावर लिमिटेड, ये एक इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी कंपनी है जिसे 1919 में सर दोराबजी टाटा ने शुरू किया था। इस कंपनी का कोर बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। नंबर 2 टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसे पूरी तरह टाटा सन्स ओन करता है। इस कंपनी को 1984 में सर JRD टाटा ने शुरू किया था। ये कंपनी लो कॉस्ट एफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। टाटा हाउसिंग को पायोनियर माना जाता है हमारी सोसाइटी में, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए लो कॉस्ट हाउसिंग करने के लिए। नंबर 3 टाटा प्रोजेक्ट्स, ये एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसे 1979 में शुरू किया गया था। ये कंपनी इनको कंस्ट्रक्ट करती है और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जैसे रिफाइनरीज, रोड्स, ब्रिजेस, इंटीग्रेटेड रेल एंड मेट्रो सिस्टम्स, कमर्शियल बिल्डिंग एंड एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और भी है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। नंबर 4 टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, ये एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है जिसे 1962 में शुरू किया गया था। ये कंपनी इन सेक्टर्स को कंसल्ट करती है पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज हाइड्रोकार्बन्स एंड केमिकल्स, रिसोर्सेज माइनिंग एंड मेटलर्जी। नंबर 3 फाइनेंशियल सेक्टर, इस सेक्टर में टोटल 3 कंपनीज आती है। नंबर 1 टाटा कैपिटल, ये एक फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसे 2007 में सर रतन टाटा ने शुरू किया था। इस कंपनी के सर्विस एंड प्रोडक्ट्स है जैसे मोर्टेज लोन्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्राइवेट इक्विटी। नंबर 2 टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। इस कंपनी को सन 2000 में शुरू किया गया था जिसे टाटा सन्स पूरी तरह ओन करता है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अलग अलग लाइफ इंश्योरेंसेस एंड हेल्थ इंश्योरेंसेस है। नंबर 3 टाटा AIG, ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसे 2001 में शुरू किया गया था।
दरअसल ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है टाटा ग्रुप और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के बीच, जिसमें से टाटा ग्रुप के 74% स्टेक्स है। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स है अलग अलग चीज़ों के इंश्योरेंस, जैसे ऑटोमोबाइल, होम, पर्सनल एक्सीडेंट, ट्रैवल, एनर्जी, मरीन, प्रॉपर्टी और कैजुअल्टी। नंबर 2, केमिकल सेक्टर। इस सेक्टर में एक कंपनी है जिसका नाम टाटा केमिकल्स लिमिटेड है। इस कंपनी को 1938 में शुरू किया गया था। इसे पूरी तरह टाटा ग्रुप्स ओन करता है। टाटा केमिकल्स भारत की सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज में से एक है। इसका सोडा ऐश प्रोडक्शन प्लांट कैपेसिटी के हिसाब से इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है। टाटा केमिकल्स के इंडिया में 4 प्लांट्स है। इंडिया के अलावा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में भी है। और टाटा केमिकल्स की एक सब्सिडरी कंपनी है रैलिस इंडिया। नंबर 1, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। इस सेक्टर में एक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, TASL। इस कंपनी को 2007 में शुरू किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इस कंपनी को पूरी तरह टाटा सन्स ओन करता है। इस कंपनी को बनाने का मकसद है इंडियन डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना एरोस्पेस फील्ड में और इंडियन एरोस्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। TASL के अलग अलग एरोस्पेस कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर प्रोग्राम्स और कोलैबोरेशंस है। जैसे TASL का जॉइंट वेंचर है अमेरिकन बेस्ड कंपनी सिकोर्स्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ, जिसमें इंडियन डिफेंस के लिए सिकोर्स्की S-92 हेलीकॉप्टर्स बनाए जा रहे हैं। और TASL का जॉइंट वेंचर लॉकहीड मार्टिन के साथ भी है, जिसमें लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस और लॉकहीड C-130J सुपर हरक्यूलिस इंडिया में बनाए जाएंगे। इसके अलावा TASL की पार्टनरशिप एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ भी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए EADS, CASA, C-295 लाइट कार्गो फ्लीट 40 एयरक्राफ्ट्स इंडिया में बनाए जाएंगे। इसके अलावा TASL के अग्रीमेंट्स इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और अर्बन एरोनॉटिक्स के साथ भी है, जिसमें UAVs को डेवलप किया जा रहा है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए फॉर सर्विलेंस पर्पस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपके क्या विचार है टाटा बिजनेस एम्पायर के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। जी दोस्तों, आपने देखा कितना बेहतरीन वीडियो, और बड़ा मैं तो हैरानगी की बात है कि एक कंपनी जिसका नाम टाटा है, वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि लुक आफ्टर नहीं कर रहे, यानी कि हर चीज़ में जो है लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो चाय की पत्ती हो, टी या मेटल का काम हो, ग्रॉसरी, इलेक्ट्रिसिटी और जो आईटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हेलीपैड और गाड़ियाँ, कारें, फिर जो है ना इलेक्ट्रिक कारें और फिर बसें, इससे पहले भी जो दूसरी वीडियो में हमने देखा। तो दोस्तों, किस किस चीज़ का जो है हम जो है डिस्कस करें, आप ये देखेंगे टाटा जो है इतना बड़ा एक ग्रुप है कि जो हर चीज़ को जो लुक आफ्टर कर रहा है। काफ़ी सारी कंपनियां जो वर्ल्ड, हाँ, 100 से ज़ायद कंट्रीज़ की जो ना उसमें जो लुक आफ्टर कर रहे हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर भी हैं, और फिर ऐसे स्टोर भी हैं जिसमें कि सिर्फ जो ना वो अपना ये फूड से रिलेटेड चीज़ें वो मिल रही हैंगी, सब्जियाँ, क्लॉथ, हाँ, और फिर जो ना उसमें वो देखा ज्वेलरी, ज्वेलरी और साथ में वो देखा आपने पर्स, बैग्स वगैरह, और जो है फुटवेयर, फुटवेयर जो है ना, वो तमाम से चीज़ें जो है दोस्तों, आप ये देखेंगे एक कंपनी ने जो स्टार्ट लिया, जीरो से स्टार्ट लिया इनके दादा ने, और रतन टाटा जो है थे, ये इनका नाम यही है, मैं करना रतन टाटा, तो उन्होंने स्टार्ट लिया और उसके बाद जो है ना ये चलता चला गया। लास्ट वीडियो में तो हमने एक और रिएक्शन दिया था जिसमें एयर इंडिया को भी जो है टाटा ने परचेज किया है, और कितना, यानी कि इतनी बड़ा काम को लुक आफ्टर करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, यानी कि एक कंपनी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनके पास तो जो है ना पता नहीं कितनी, मैं समझता हूँ कि 400-500 कंपनियाँ तो होंगी जिस हिसाब से जो है ना ये हमने देखी है, मेटल्स बनते हैं, हाँ, स्टील का काम है, हर काम में जो है ना इनका जो है ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें ये शराकत दारी है और मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ, और पाकिस्तान, इसका इंडिया का जो है आप ये देखें GDP जो है उसमें तकरीबन 60% जो है टाटा का रोल है, तकरीबन 60% में, हो सकता है कि थोड़ा सा कमी बेशी हो, इसमें बहुत बड़ा जो है रोल है इंडियन गवर्नमेंट को, कि भाई इतना सपोर्ट है टाटा की कि वो इंडियन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी सारे सेक्टर जो गवर्नमेंट के हैं वो उनको भी जो है लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये बहुत बड़ी बात होती है, और इतना चीज़ों को जो है लुक आफ्टर करना, मुस्कान आप बताएं,
बस मैं तो हैरान ही हो रही हूँ देख देख के ये सारी चीजें जी मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन्होंने ना बनाई हो। हर चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। बिल्कुल, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें इस वीडियो का कमेंट्स किया था कि इस पर रिएक्शन दें, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जब ये बताया कि इस पर रिएक्शन दें। तो अब जब हमने ये वीडियो देखी तो जो नॉलेज हमें तो थी नहीं इतनी कि ये टाटा जो है हम तो समझते थे एक या दो चीज़ें ही बनाते होंगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ों में जो है ये इन्वॉल्व हैं और इतनी सारी चीज़ें जो है लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मुस्कान, पता है आपको कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं मोदी जी के दौर में जो है ये स्टार्ट हुआ है, और इनकी इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। उस तब्दीली में सबसे बड़ा जो किरदार है मोदी जी का है, उन्होंने मोदी जी ने पूरी दुनिया में जो है रबते किए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जो कारखानेदार थे उनको सहूलत दी, उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की अपने मुल्क में, और अपनी मुल्क को की कैपेसिटी को तो उन्होंने जो है ना पूरा किया, यानी कि कोई चीज़ बना दी तो अपने मुल्क में तो बेची लेकिन बाहर भी जो है दूसरी दुनिया में भी जो है ना उन्होंने जो है उसको भेजा कि ताकि जो है ना हमारे मुल्क में जो है ना पैसा आए। और बहुत बड़ी बात है कि मैंने अभी टाटा की जो प्रोडक्ट देखी उसमें ये कहा जा रहा था कि जो चाय की पत्ती है टाटा टी जो है वो नंबर वन ब्रांड है, यानी कि वहाँ पर अपना इंडिया में के हर मतलब हर घर में यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये कि इंडियन जो लोग हैं वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें हैं वही लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि टाटा की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी तो एक बड़ा जो है रोल है ना, कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बनाई कि अगर पर्स बनाए तो वो भी बहुत मजबूत, ठीक है ना, अगर कोई शूज़ बनाए तो वो भी बड़े अच्छे, यानी कि कोई भी चीज़ बनाई तो बहुत अच्छी बनाई, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना कि हम ये नहीं लेंगे ये लेंगे। तो अब जब ये ब्रांड ऐसा बन गया कि टाटा का नाम सुनते हैं तो भाई ठीक है ये 1,000 रुपये की तो ले ली, तो पूरी दुनिया में जो है टाटा को जो है जाना पहचाना जाता है, तो पूरी दुनिया में जो है ना भेज रहे हैं। ये मोदी जी की पॉलिसी जो है बहुत परफेक्ट रही और इंडिया जो है इसी वजह से जो है तरक्की कर रहा है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो है मोदी जी के आने से जो है वहाँ पर स्टार्ट हुए हैं और कम्प्लीट होने जा रहे हैं। और इससे पहले जो हमने वीडियो देखी है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वह एक्सप्रेस वे टनल और जो है ना काफ़ी सारी ये मेट्रो ट्रेन और जो है ना अपना हाइपर लूप जो अब जो बनने के लिए जा रही है वो भी जो है इंडिया में स्टार्ट हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस गवर्नमेंट में के आने से जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है तरक्की हुई है। इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो इंडियन गवर्नमेंट को। लास्ट जो वीडियो हमने थोड़े दिन पहले की थी तो उसमें यही था ना कि भाई टाटा ने जो है इंडियन एयरलाइन भी परचेज़ कर ली, और एक ज़माने में इनकी इन्हीं की थी और वो इंडियन गवर्नमेंट के पास चली गई थी, वापस जो है ना वो क्राइसिस में जा रही थी तो टाटा ने उसको परचेज कर लिया। इसका मतलब ये कि टाटा जो है इंडियन गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट करते हैं कि गिरी हुई चीज़ों को जो है वो खड़ा कर देते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा ग्रुप जो अपनी कंट्री को जो सपोर्ट कर रहा है, बहुत मैं तो अप्रिशिएट करूँगा इस ग्रुप को, टाटा ग्रुप को, कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है ना बड़ा एक अहम रोल अदा किया कि इंडियन एयरलाइन जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रही थी उनको तो सपोर्ट किया। लेकिन वो लोग जो बेचारे वहाँ के इंडियन एयर के वो थे वर्कर थे, उन वर्करों को भी जो है ना उन्होंने सपोर्ट किया, तो बहुत बड़ी बात है। जब कंपनी परचेज करते हैं तो वर्करों को निकाल दिया जाता है, लेकिन इन्होंने जो है अपने वर्करों को जो है रखा कि हम आप अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम इसको जो है कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों, इतनी प्यारी ये वीडियो जिन्होंने हमें भेजी, मैं एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा। और इस तरह के कमेंट्स आप देते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ऑल पर, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे और आपके कमेंट्स हमारे पास आएँ। तो हमारी सबसे बड़ी एनर्जी हमारी यही है, जैसे टाटा की एनर्जी हमने देखी कि इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ जो वो काम कर रहे हैं, हमारी एनर्जी जो आपके कमेंट्स हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मुस्कान मौजूद हैं और अब हमें इजाज़त दें, मुझे और मुस्कान जैदी को। चलते चलते फिर मेरे वही अल्फाज, अपने और अपने आस पास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पर पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और मुस्कान जैदी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।